जन्म पुनर्जन्म की कहानी हमें सिर्फ फिल्मों तक ही अच्छी और सच लगती है, पर इनकी पुनर्जन्म की कहानी सुनकर खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी मानने पर मजबूर हो गए कि ऐसी कहानियां रियल लाइफ में भी सच हो सकती है। ये है शांति देवी, जिनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1926 न्यू दिल्ली में। कहने को तो 4 साल की उम्र तक वो बहुत ही कम या ज्यादातर खामोशी रहती थी, पर फिर उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ की स्टोरीज और इंसिडेंट्स बताने की शुरुआत की। जैसे उनका असली में घर मथुरा में है, उनका नाम लुगड़ी देवी है और तो और उनकी शादी भी हो चुकी है। उनके पति का नाम केदारनाथ चौबे है, उनकी कपड़े की दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने है और उनका एक बेटा भी है जिनके जन्म के 9 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हुई थी। आम माँ बाप के जैसे शांति देवी के माँ बाप ने भी इन बातों को नजरअंदाज कर दिया, पर अगर कोई बच्चा ऐसी बातें 1-2 दिन तक करे तो समझ में आता है। पर शांति देवी लगातार 3-4 सालों तक अपनी पास्ट लाइफ की किस्से और नई नई बातें बताना जारी रखती है, जिसे परेशान होकर उनके माँ बाप केदारनाथ जी को खत लिखकर उनको बुलाते हैं। केदारनाथ जी अपने बड़े भाई के भेष में शांति देवी से मिलने आते हैं, पर शांति देवी ना ही उनको पर उनके साथ आए एक बच्चे को भी पहचान लेती है क्योंकि वो उनका ही बेटा था। फिर शांति देवी बहुत सारी बातें और ऐसी भी बातें बताती है जो सिर्फ केदारनाथ जी और लुगड़ी देवी के बीच में हुई थी। ये सब सुनकर केदारनाथ जी बहुत ही हैरान हो चुके थे क्योंकि ये सब बातें सच थी। फिर ये कहानी पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है और पहुंचती है महात्मा गांधी जी तक। गांधी जी खुद इस कहानी से हैरान 15 जाने माने लोगों की टीम बनाते हैं जो इस कहानी पर इन्वेस्टिगेशन कर सके। टीम पहली बार शांति देवी को मथुरा लेके चलती है और स्टेशन से केदारनाथ जी के घर तक का रास्ता पूछती है। शांति देवी ना ही उनको उनके घर तक पहुंचाती है, पर वहां पर रहने वाले लोग और चीजों को भी पहचान लेती है और ऐसी कई बातें बताती है जो सिर्फ चौबे परिवार में ही हुई थी। फिर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद टीम भी ये मान लेती है कि वाकई में ये पुनर्जन्म की ही कहानी है। फिर तो देश विदेश के स्कॉलर्स और साइकोलॉजिस्ट शांति देवी का इंटरव्यू लेते हैं। कोई इस बात को सच मानता है, कोई नहीं मानता। आप लोग बताओ, आप इस बात को सच मानते हो?